हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम जलेबी बनाएंगे। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में मैदा, बेसन, ये ऑप्शनल है, और दही डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे, जिससे ये ज्यादा पतला ना हो जाए। हम इसे तब तक मिलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा फ्लफी ना हो जाए। देखिए, बैटर को इतना ही गाढ़ा रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना। अब इसे ढककर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई को गर्म करेंगे। अब इसमें चीनी, पानी, ध्यान रहे चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम रखनी है, 6 से 7 केसर के रेसे, 1 चुटकी भर रंग डालेंगे। हमने यहाँ ऑरेंज कलर डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग कलर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सभी को मिला लेंगे। अब इसे थोड़ी देर उबलने देंगे। देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। ध्यान रहे हम चाशनी को ज्यादा चिपचिपा नहीं बनाएंगे, हम चाशनी को पतला ही बनाएंगे। अब गैस बंद कर देंगे। चाशनी को साइड से रख देंगे। अब जलेबी बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में घी को गरम कर लेंगे। धीमी आंच पर घी को गरम होने देंगे। तब तक हम बैटर को देख लेते हैं। देखिए, थोड़ी देर रखने के बाद ये कितना फ्लफी हो गया है। अब इसमें जरा सा सोडा डालेंगे। अगर हम इसमें सोडा ज्यादा डाल देंगे तो फ्राई करते टाइम जलेबी बिखर जाएगी और उसकी कोई शेप भी नहीं आएगी। अब इसे जल्दी से मिला लेंगे। देखिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। अब हम इसे कोन में डाल लेंगे। हमने यहाँ कोन शेप की पॉलिथिन का यूज किया है। आप चाहे तो किसी सिंपल पॉलिथिन को कोन शेप में बनाकर उसे यूज कर सकते हैं। अब पॉलिथिन को इस तरीके से ग्लास पर फैला लेंगे।
लेटर को पॉलिथीन में डाल देंगे, थोड़ा चलाकर डालेंगे। अब कोन को ग्लास से निकाल लेंगे। पर छोटा सा कट लगा देंगे। अब जलेबियां बनाएंगे। जलेबियों को मीडियम गैस पर ही फ्राई करेंगे। देखिए जलेबियां ऊपर आ गई हैं। अब इन्हें पलट लेंगे। हमने जलेबियों को घी में तला है, आप चाहे तो ऑयल में भी तल सकते हैं। देखिए सारी जलेबियां फ्राई हो चुकी है। अब चाशनी लेंगे और सारी जलेबियों को चाशनी में डाल देंगे। अब जलेबियों को चाशनी में अच्छे से डुबा देंगे। के लिए चाशनी में ही रहने देंगे। इसी तरीके से बाकी जलेबियां भी बना लेंगे। आप जलेबियां अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में बना सकते हैं। एक मिनट भी हो चुकी है, अब जलेबी को प्लेट में निकाल लेंगे। जलेबी बनकर तैयार है। ये एकदम मार्केट जैसी ही बनी है। आप इसे अपनी फैमिली में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।